अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफिया खान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने एक्ने प्रोन स्किन के लिए क्या करती हूँ, मैं अपने एक्नेस को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और वो आपको ईजिली अपने घर में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ने की। एक्ने के बहुत सारे किस्म होते हैं। मेरे एक्ने होते हैं पस वाले एक्ने हैं मेरे, तो मेरे एक्ने पे ये अच्छी तरह से असर करता है, इसलिए मैं हर रोज़ डेली रूटीन पे ये यूज़ करती हूँ। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मेरे लिए इफ़ेक्टिव है वो आप लोगों के लिए भी इफ़ेक्टिव हो। हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी की स्किन की कंडीशन अलग होती है। हो सकता है कि ये मुझ पे सूट किया हो, आप पे सूट नहीं किया हो, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है सब पे सूट करे। कई दवाइयाँ डॉक्टर भी देते हैं तो कुछ लोगों पे सूट नहीं करते। लोग बोलते हैं हम डॉक्टर के पास गए थे फिर भी हमें जो है ना कोई असर नहीं हुआ, तो उसकी यही वजह होती है कि हर किसी की स्किन अलग होती है, तो स्किन के हिसाब से ही जो है असर करता है। तो मुझे ये बहुत सूट करता है, इसलिए मैं डेली रूटीन भी बनाती हूँ। मैं अभी भी अपने लिए बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको अवेलेबल हर जगह इजीली मिल जाएगा। आजकल तो मुल्तानी मिट्टी पैकेट में मिल जाता है, लेकिन मैंने ये मुल्तानी मिट्टी ख़ुद घर पे बनाया। मुल्तानी मिट्टी के पत्थर को पीस के बनाया है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया, ये मेरे लिए काफ़ी है मेरे चेहरे के लिए। तो मैंने आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। देख सकते हैं आप कितना कम क्वांटिटी में मैं इसको हल्दी डालती हूँ। हल्दी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी जो है एक बैक्टीरिया किलर है, वो हल्दी बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे स्किन से बैक्टीरिया को किल करने के लिए हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लेमन। लेमन से आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बताती चलूँगी। लेमन जो है वो हमारे कलर को ब्राइटन करता है, फेयर करता है। लेमन हमारे स्किन में जितने भी जर्म्स हैं उनको क्लियर करके हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने में हेल्प करता है। तो मैं इसमें आधा लीमू शामिल कर दूंगी। ये मेरा पेस्ट अच्छी तरह से बन जाएगा इस इन तीन चीज़ों से, बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। देखिए मैं आपको आपके सामने मैं पेस्ट बनाती हूँ। देखिए मैंने ये लीमू इसमें स्क्वीज कर लिया। अब मैं इस पेस्ट को मिक्स करूँगी, थिक होना चाहिए पेस्ट। इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूंगी, बस यही तीनों चीज़ें मैं रोज़ डालती हूँ, रोज़ यूज़ करती हूँ मैं इसको। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो इसको रोज़ यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। और ये है भी इफ़ेक्टिव। और इस तरह से ये पेस्ट मेरा बन चुका है। अब इसमें और कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेस्ट मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं इसको धो लेती हूँ। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि एक दिन या दो दिन यूज़ किया और फिर इफ़ेक्ट हो गया। नो, कोई भी चीज़ आपको असर दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक वीक तो लेगा यार, किसी चीज़ को टाइम तो। आप ऐसा नहीं दूसरी वीडियो देखिए उसको भी ट्राई कर ले, कोई और टिप्स देख लिया उसको भी ट्राई कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन है यार, अपनी स्किन पे इतनी चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए। और ये जो है बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला। अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो इससे बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप टेस्ट करके ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पर्सनल यूजेज है, मैं इसको अपने पर्सनली तौर पर अपने अपने स्किन पे यूज़ करती हूँ। तो आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा और यूज़ करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है। वो बहुत सारे महंगे महंगे दवाइयाँ यूज़ करके या बहुत सारी महंगी महंगी क्रीमें यूज़ करके थक चुके हैं, वो एक बार मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। आप ज़रूर देखना, आप मुझे दुआएं देंगे ये रेमेडी यूज़ करके। इससे एक बार के यूज़ से ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।